क्रिचॉफ तो क्रिचॉफ ने क्या किया था? सबसे पहले हम क्रिचॉफ के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रिचॉफ की जो थ्योरी है, जो दोनों नियम है, उसकी बात कर लेंगे। तो हम बात कर लेंगे कि क्रिचॉफ ने कब इसकी उत्पत्ति की थी। तो सन सन 1842 ईस्वी में वैज्ञानिक क्रिचॉफ ने, वैज्ञानिक क्रुश्चॉव ने अच्छा दो नियम प्रतिपादित किए, दो नियम प्रतिपादित किए किए जिन्हें, जो नियम लिखे थे, जो, या ये लिख दो कि जिन्हें क्रुश्चॉव के, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहा जाता है। अब किरचॉफ ने दो नियम दिए, तो पहला नियम दिया था धारा का नियम। पहला नियम है किरचॉफ का, प्रथम नियम, उसी को धारा का नियम कहेंगे। तो किरचॉफ के अगर प्रथम नियम की बात करें, तो पहला नियम क्या होता है, किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का एल्जेब्रिक जो सम है, जो बीजगणित योग है, वो शून्य होता है। और इसी को अगर हम बात करें, दूसरे भाषा में बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि कितने नियम इसने दिए थे। तो प्रथम नियम, इन्होंने कितने नियम दिए थे, प्रथम नियम नियम, इसी को बोलते हैं संधि का नियम, संधि का नियम, इसी को बोलते हैं धारा का नियम, धारा नियम कह सकते हो, या धारा का नियम। सेकेंड है द्वितीय नियम, इसी को हम बोलते हैं पारश इंटरप्रिटेशन का नियम। लागे यहां ध्यान दो, विभव नियम, विभव नियम, ये दो नियम है। तो किरचॉफ ने ये दो नियम दिए, पहला नियम है प्रथम नियम, संधि का नियम, और धारा नियम, द्वितीय है मानो द्वितीय नियम, पाश का नियम, और विभव नियम। अगर हम पहले नियम की बात करें, तो पहले नियम में ये है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में क्या होता है कि अगर हम ट्यूबवेल की बात कर लें, तो ट्यूबवेल का एक हॉल होता है इस तरह से, और यहाँ पर क्या चल रहा है, इंजन चल रहा है, इंजन से पानी यहाँ पर आ रहा है। अब जो हॉल होता है वो कई डिस्ट्रीब्यूटरी में बटा हुआ होता है, कई पाइप में इस तरह से। तो जितना पानी यहां से इन करेगा इसके अंदर, उतना तो ही बाहर जाएगा। तो ये हम मान सकते हैं एक तरह से हमारी संधि है ये, और ये क्या है, ये इनकमिंग करंट मान सकते हैं, ये आउटगोइंग करंट मान सकते हैं। तो जितनी करंट इनकमिंग है उतनी ही आउटगोइंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी करंट आ रही है जंक्शन की तरफ उतनी ही करंट बाहर जाएंगी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जंक्शन की तरफ आने वाली धाराएं तथा जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। अब ये तो हमने एक साधारण भाषा में बताया, अब हम टेक्निकल भाषा में कैसे लिखेंगे इसको। तो टेक्निकल भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम नियम हेडिंग बनाएंगे, पहले तो पहले हम बनाएंगे फर्स्ट नंबर की हेडिंग, प्रथम नियम की, प्रथम नियम, इसी को बोलते हैं संधि का नियम, संधि का नियम, इसी को बोलते हैं हम धारा नियम, अगर हम इसके धारा नियम की बात करें, तो धारा नियम क्या है, यहां पर है संधि, ये है हमारी संधि, और संधि पर क्या कहा जा रहा है कि संधि पर आने वाली धारा, इंग्लिश में इसको जंक्शन कहेंगे, हिंदी में हम इसको संधि कहेंगे, तो आने वाली धारा है। अब मान लीजिए ये करंट आ रही है इस तरफ, तो संधि पर आने वाली धाराएं, जितनी संधि पर आएंगी धाराएं, तो हम सपोज कर लेना, लेट सपोज कि ये जो दो धाराएं हैं ये संधि की तरफ आ रही है, और हम लेट सपोज कर रहे हैं कि ये वाली संधि के बाहर जा रही है, तो इनकमिंग जो है वो हम इससे डायरेक्शन से शो कर रहे हैं, और आउटगोइंग जो है वो हम आउटवर्ड डायरेक्शन से शो कर रहे हैं। ये I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं,
इसको I3, I4 एंड I5। तो अगर हम बात करें, ये हमारी संधि है, ये है संधि, ये है हमारी संधि, ये चीज। तो अगर हम बात कर ले कि संधि की तरफ आने वाली, यही हमने डेफिनेशन में बोला था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब शून्य कैसे होगा, जो संधि की तरफ आ रही है उसको हम प्लस डायरेक्शन में लेते हैं, वो पॉजिटिव होंगी, उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, मतलब I1 और I2 आ रहे हैं और इनकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, और जो बाहर जा रही है धाराएं इसकी डायरेक्शन को हम नेगेटिव से शो करते हैं, माइनस से शो करते हैं। तो अगर हम बात कर ले कि जितनी करंट यहां आ रही है उतनी ही बाहर जाएगी, तो इसका मतलब ये प्लस में है और बाहर जाने वाली माइनस में, तो इसका मान और इसका मान, मतलब ये अंदर आ रही है करंट इस पर जंक्शन पर और ये वाली जा रही है, तो दोनों का मान बराबर होगा, तो प्लस माइनस की कैंसिल आउट हो जाएगी और यहां पर हमको शून्य मिलने वाला है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी संधि की तरफ आने वाली धाराएं तथा संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसी को प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। इतना लिख देंगे, एक नोट पॉइंट और लिखेंगे कि यह नियम आवेश का संरक्षण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि यह नियम किसका संरक्षण करता है, आवेश का। तो हम यहां लिख सकते हैं कि किसी भी संधि की तरफ आने वाली धाराएं, किसी इस साइड में लिखते हैं यहां पर, किसी संधि की ओर आने वाली तथा संधि से बाहर जाने वाली सभी धाराओं का, सभी लिख लेंगे, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसी को संधि का नियम, इसी को प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम कह रहे हैं, इसी को संधि नियम कॉमा प्रथम नियम कॉमा धारा नियम कहते हैं। अगर हम बात कर लें, इसका नोट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट में बताने वाला था वो क्या था, तो नोट पॉइंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह नियम आवेश का संरक्षण करता है। इतना लिख देंगे, उसके बाद में हम इसका अगर प्रूफ की बात कर लें कि जो जंक्शन की तरफ आने, इसको इंग्लिश में जंक्शन कहेंगे, हिंदी में हम इसको संधि कहते हैं, बट इंग्लिश में इसको कहते हैं जंक्शन। तो जंक्शन की तरफ करंट कौन कौन सी आ रही है धाराएं, तो जंक्शन की तरफ आ रही है हमारी I1 और I2, जिनकी डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, या फिर माइनस लगा देंगे, हमने कहा था कि प्लस होगी या माइनस होगी, तो जो जंक्शन की तरफ आ रही है वो प्लस की रहेंगी और जो जंक्शन से बाहर जा रही है वो माइनस की रहेंगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि माइनस की आपकी I3, माइनस की I4 और माइनस की I5 इज इक्वल टू जीरो, मतलब जितनी जंक्शन की तरफ आ रही है और जितनी जंक्शन से बाहर जा रही है सभी का एल्जेब्रिक सम जीरो है। अब यहां माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये धाराएं बाहर जा रही है, I3, I4, I5 करंट बाहर निकल रही, और इन ये दोनों, ये मान सकते हो कि ये ट्यूबवेल के दो पाइप हैं, ये अंदर पानी लेकर आ रहे हैं और ये तीन पानी बाहर लेकर जा रहे हैं, तो जितना पानी ये अंदर लाएंगे उतना ही बाहर लेकर जाएंगे, तो इनको प्लस में ले रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं उसी को नेगेटिव में, माइनस में ले जा रहे हैं। तो इसको हमें समेशन I इज इक्वल टू
अब हम दूसरा नियम करेंगे, द्वितीय नियम। इसको और किस नाम से जानते हैं? पांच का नियम। पांच का नियम। और दूसरा क्या नाम है इसका? विभव नियम। विभव नियम यहां पर है ये पूरा, द्वितीय नियम, पांच का नियम और विभव नियम। अच्छा, ये नियम क्या कहता है? तो ये नियम ये कहता है कि किसी भी बंद विद्युत परिपथ में उपस्थित सभी विद्युत वाहक बलों तथा उसमें उपस्थित सभी प्रतिरोधों के सभी प्रतिरोधों का विभव पाद का बीजगणित योग शून्य होता है। इसी को किरचॉफ का द्वितीय नियम और पाश का नियम या विभव का नियम कहते हैं। और इसको नोट पॉइंट क्या रहेगा? ये ऊर्जा का संरक्षण। तो इसमें नोट पॉइंट ये रहेगा कि ये ऊर्जा का संरक्षण करता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि किसी बंद, जरूर लिख देना, बंद वैद्युत परिपथ में, परिपथ में उपस्थित सभी विद्युत वाहक बलों का, विद्युत वाहक बलों तथा उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित सभी प्रतिरोधों का विभव पाद, विभव पाद। अच्छा, विभव पाद को इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। जो वोल्टेज का लीकेज हो रहा है उसको बोला जा रहा है विभव पाद का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को द्वितीय नियम, द्वितीय नियम या पाश का नियम, पाश का नियम, विभव का नियम या विभव नियम, विभव का नियम कहते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे इसमें? नोट पॉइंट क्या होगा इसका? ऊर्जा का संरक्षण। यह ऊर्जा का संरक्षण करता है, यह ऊर्जा ऊर्जा का संरक्षण करता है। उसके बाद में इसका परिपथ कैसे बनाओगे? बता विपिन, कैसे बनेगा परिपथ? पूछ लेंगे तो फिर नहीं बता पाते तुम, वैसे यहाँ ध्यान दे लो। ये है इसका परिपथ और यहाँ क्या लगा हुआ है? बैटरी, प्रतिरोध। ये बैटरी है, ये प्रतिरोध है और एक बैटरी यहाँ पर मान ली है हमने, और इधर भी क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध यहाँ कनेक्टेड है, तो इसको हम आर वन मान लेते हैं, इसको हम आर टू मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ई वन, और ये है हमारा ई टू। ये प्लस माइनस, प्लस माइनस। करंट कहाँ से निकलेगी? अच्छा, इसको उल्टा बनाओ, ऐसे बनाओ, माइनस इधर करो क्योंकि करंट फिर इधर जाएगी, माइनस और प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी भी बंद परिपथ में या पाश में, ये पाश है या बंद परिपथ है, में उपस्थित सभी विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल एक ही है और एक ही है, तो कैसे लिखेंगे? E1 E2 प्लस या माइनस? बताओ। प्लस, प्लस आई वन आर वन, प्लस आई आर। ठीक है, आई आर टू,
अच्छा इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा आई आर, बी बराबर आई आर होता है तो आर वन है तो हम आई आर वन लिख देंगे, और इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा आई आर टू क्योंकि बी बराबर आई आर होता है तो आर टू है। तो ये विभव पात है इसमें उपस्थित जितने भी प्रतिरोध है उनका, और ये हमारे पास क्या है ये विद्युत भार बल है, तो दोनों का एल्जेब्रिक सम क्या होता है जीरो होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि समेशन ई इज इक्वल टू समेशन आई आर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर जितने भी विभव पात है हाँ जितने भी विद्युत वाहक बल है और जितने भी आपके पास में उसका वोल्टेज ड्रॉप है उसका एल्जेब्रिक सम शून्य हो रहा है, या फिर ये कह लो कि जितना यहाँ पर ईएमएफ है उतना ही ये क्या करेगा इसका कंजम्पशन होगा। अगर इसका देसी में बता दें मेथड, तो देसी मेथड इसका ये है कि बैटरी में जितना चार्जिंग रहेगा जब तक बैटरी तभी तक यूज किया जा सकता है, तो ये एक तरह से बल्ब है लगे हुए, जैसे हम क्या करते थे पहले टेलीविजन चलते थे टीवी चलाते थे बैटरी में लगा दी और टीवी चल रही है, तो जब बैटरी टीवी जब तक चलती रहती थी जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जा रही है, तो यहाँ दो बैटरी लगी हुई है, ये तो अगर टीवी मान लेते हैं ये लोड है एक तरह से, बल्ब भी हो सकते हैं कुछ ट्यूबलाइट भी हो सकती है और टेलीविजन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ये तो यहाँ पर दो लोड है लगे हुए, अब ये कब तक चलते रहेंगे जब तक इनकी क्षमता होगी, तो इसलिए इनकी ऊर्जा जो है मतलब इनका जो वोल्टेज विभव पात है वो इनके वोल्टेज ड्रॉप के तो ही बराबर होगा, ठीक है जितनी इनमें एनर्जी रहेगी उतना तो इसको पावर देते रहेंगे, तो इसलिए बराबर है। तो ये हमारा दूसरा नियम, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।